नमस्कार, जय जिनेंद्र देव की। भारतवर्ष में अलग अलग जाति, धर्म, मान्यता और आस्था के लोग रहते हैं, जिसके कारणवश पूरे वर्ष अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। इसलिए भारतवर्ष को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। इन त्योहारों में दीपावली का अपना ही एक अलग महत्व है। आज हम समझेंगे कि जैन धर्म के अनुसार दीपावली क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जा रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समवसरण चल रहा था। समवसरण एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक ऊंचे स्थान पर भगवान विराजमान हो जाते हैं और उनके चारों तरफ देवी देवता, मनुष्य और त्रियंश यानी कि पशु पक्षी बैठते हैं। सभी को ऐसा महसूस होता है कि भगवान उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। जब भगवान की दिव्य वाणी खिलती है तो सभी को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। समवसरण एक ऐसा ठाट बाट है जिसके सामने सभी राजसी ठाट बाट फीके पड़ जाते हैं। यह एक ऐश्वर्य है, यह एक बहुत बड़ी लक्ष्मी का रूप है और इतने बड़े राजसी ठाट बाट और ऐश्वर्य का त्याग कर भगवान त्रयोदशी के दिन पामापुरी के पद्म सरोवर के मध्य प्रतिमा योग धारण कर मन वचन काय के सभी कार्यों को रोककर योग निरोध में लग जाते हैं। इतने बड़े त्याग को देखकर सभी अचंभित होते हैं और खुशियां मनाते हैं और इसी दिन से यह दिन धन्य त्रयोदशी के नाम से विख्यात हुआ। अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम पहर यानी कि रात्रि का अवसान और अमावस्या के प्रथम पहर के कुछ क्षण पहले, जिसको कि हम प्रत्युष बेला भी कहते हैं, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए यह दिन निर्वाण चौदस के नाम से विख्यात हुआ। जैसे ही भगवान को निर्वाण की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है तो देवतागण पामापुरी को ही नहीं बल्कि पूरे लोक को दीपकों के प्रकाश से दीप्तिमान करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। यह दीप्तिमान देखकर सभी लोग अचंभित होते हैं तो देवतागण बताते हैं कि भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई है और उन्होंने हमें ज्ञान का प्रकाश दिया है। उससे अगले दिन अमावस्या की शाम के समय भगवान के प्रथम शिष्य इंद्रबुति गौतम स्वामी, जो कि 11 गंधर्व में से एक गंधर्व हैं, को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसी उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है, देवतागण उसी तरह दीपकों के प्रकाश से पूरे लोक को प्रकाशित करते हैं और उनकी पूजा पाठ कर यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए हमारे जैन धर्म के अंदर इन दोनों उत्सवों को भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक और इंद्रभूति गौतम स्वामी के केवल ज्ञान को छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली यानी कि दो दिवाली के रूप में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम जैन लोग अमावस्या की दिन की शुरुआत मंदिर जी के अंदर प्रक्षालन कर, पूजा कर और निर्वाण के लड्डू चढ़ाकर करते हैं। उसके पश्चात अपने व्यवसाय स्थल पर पूजन पाठ किया जाता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है। वहां पे जो भी कर्मचारी हैं उनके मध्य में मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी को दुगना किया जाता है। शाम के समय में हम अपने घरों के अंदर पूजन पाठ करते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं और अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपनों के यहाँ मिठाइयों का वितरण करके इस खुशी को दुगना चौगुना किया जाता है। उससे अगले दिन एकम का दिवस, जहां से वीर सम्मत एक की शुरुआत होती है। आज वीर सम्मत 2547 यानी कि 2547 चल रहा है, इसलिए लगभग 2500 साल हो गए हैं कि हम लोग दीपावली बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ
यहाँ पर अपने परिवारों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ मनाते हैं। ये तीन दिन धन्य त्रयोदशी, निर्वाण चौदस और अमावस, ये इतने पवित्र दिन होते हैं कि इन दिनों में हमारे साधुगण, हमारे बड़े बुजुर्ग मौन धारण कर उपवास भी करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। और ये मान्यता और ये आस्था रखते हैं कि जिस प्रकार इंद्रभूति गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। मेरे कई दोस्तों ने कमेंट करके बताया है कि दीपावली पर पूजन कैसे किया जाता है, वो हमें नहीं आता, तो मैं अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि दीपावली के अंदर अपने व्यावसायिक स्थलों पर भाव पूजन कैसे किया जाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि जैसी वीडियो बने आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।